समय ने भविष्य के जंगल के राजा एक बच्चे को मरने से बचाया और अब नन्हा सिम्बा बड़ा हो गया है। वह भूल चुका था कि वह किसका बेटा है और जंगल में साधारण जानवर बनकर रह रहा था। समय बदलने के साथ वह जहाँ से आया था वहाँ लगभग सभी जानवरों का शिकार हो चुका था और सारे शेर स्कार की गुलामी कर रहे थे। कोई भी उसे राजा नहीं मानता था। तभी सिम्बा का बाल कई तरह के जानवरों और पक्षियों चींटियों से होता हुआ इस वानर के पास जाता है, जो उसे देखते ही समझ जाता है कि हमें बचाने वाला अभी भी जीवित है। रात होने पर वह वानर सिम्बा को याद दिलाता है कि वो कौन है और उसका कर्तव्य क्या है। एक राजा हवा में राजा नहीं बनता, फिर वो इंसानों का हो या जंगल का। ये सुनते ही सिम्बा अपनी पुम्बा टीम के साथ जंगल पहुँच जाता है, जो अब वीरान हो चुका था। इस कार के सामने होते ही वह उसे उसके पिता की मौत वापस याद दिलाता है। जंगल में लगी आग में गिराकर वह उसे भी मारना चाहता था, जैसे उसने उसके पिता को मारा था। सच पता लगते ही सिम्बा इस कार को पकड़कर ऊपर आ जाता है और सभी शेर मिलकर हमला कर देते हैं। लकड़बग्घे हार कर वहाँ से भाग जाते हैं और सिम्बा भी इस कार को हरा देता है। काया इसका पीछे से हमला करता है, लेकिन इस बार वो खुद ही नीचे गिर जाता है। लकड़बग्घे इस कार का शिकार कर लेते हैं और जंगल का राजा आज खुद को साबित कर देता है।